हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ एस अकेडमी। आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी के फादर या फिर पितामह के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंटन डी वेरी। जो पीटर डिस्क्रिंजी है ये है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। वीवी डोकुचेव हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और जो जेपी लिगेंस हैं ये हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, फ्रूट ऑफ सैफ्लावर इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहे हैं कुसुम के फ्रूट के बारे में। तो बोटानिकली कुसुम के फ्रूट को क्या कहा जाता है वही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है एकिन। कुसुम के फ्रूट को हम कहते हैं एकिन। वैसे सिलिकुआ कहते हैं हम किसको? फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। कैरियोप्सिस कहते हैं हम फ्रूट ऑफ राइस को। और नट कहते हैं फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो जब हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था वहां पे हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलेटन एंड स्वान। और ये दिए थे कब? 1939 पे दिए थे सेल थ्योरी को। रॉबर्ट हुक ये क्या किए थे? सेल का डिस्कवरी किए थे। कब? 1665 पे किए थे। बेटसन ने दिया था जेनेटिक्स टर्म दिया था। ये जो जेनेटिक है ये टर्म दिया था बेटसन ने 1905 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफोर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। सीफोर साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो सीफोर साइकिल को हम बोलते हैं क्या? हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। यहाँ पे और पॉइंट्स याद रखिए कि सीफोर साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ये होता है 4-कार्बन कंपाउंड होता है। C4 साइकिल जिस प्लांट में देखा जाएगा उसको कहेंगे C4 प्लांट कहेंगे। और C4 प्लांट क्या है? जैसे सुगर केन हो गया, सोरगम हो गया, ये सारे क्या है? C4 प्लांट्स हैं। C2 साइकिल हम किसको कहते हैं? C2 साइकिल जहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है C2 साइकिल। EMP पाथवे किसको कहा जाता है? जो आपके ग्लाइकोलाइसिस होता है उसको कहा जाता है EMP पाथवे। जो कि आपके एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये कॉमन प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ब्लैकबर्न रिएक्शन हम किसको कहते हैं? इसको कहा जाता है C3 साइकिल को ही ब्लैकबर्न रिएक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पेस्ट कॉजिंग फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर्स इन कॉटन। तो ये पूछ रहा है कौन सा कीड़ा है जो आपके कॉटन को जब इफेक्ट करता है तो वहां पे क्या होता है? फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर्स मतलब जो चौकी होते हैं कॉटन में वो क्या होगा? जला हुआ ऐसा दिखेगा। तो इसका सही आंसर है सी, स्पॉटेड बॉलवर्म। और स्पॉटेड बॉलवर्म का आपका साइंटिफिक नेम है यरियस विटेला। ठीक उसी तरह अमरस का बिगुटला ये क्या है? ये कॉटन जैसिड है। और ये जब आपके कॉटन प्लांट को अटैक करेगा वहां पे होगा होपर बर्न। ये एक डिस्टिंक्ट क्या है? सिम्टम है उसका, होपर बर्न दिखाई देगा। फिर पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम है पेक्टिनोफोरा।
गॉसिपियला, और आपका हेलिकोवर्बा अर्मिजरा ये है क्या, अमेरिकन बोलवा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट क्या होते हैं। तो ग्रेनाइट एंड बसाल्ट क्या है, ये हैं आपके बी इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ठीक उसी तरह सेडिमेंटरी रॉक्स कौन कौन से हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स होंगे आपके लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, ये सारे हो जाएंगे क्या हमारे सेडिमेंटरी रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन होंगे, वो होगा मार्बल, स्लेट, क्वार्ज़ाइट, ये सारे हो जाएंगे आपके मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ये सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक से बनते हैं। कब, जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है उसी कंडीशन में मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट डेफिशिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट इन द इंडियन सॉइल, मतलब इंडियन सॉइल में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ये जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, जेडन जिंक। जिंक अराउंड 49% जो इंडियन सॉइल है वहां पे डेफिशिएंट पाया जाता है, वहां पे कम मात्रा में पाया जाता है जिंक। अगला क्वेश्चन, द फोटो रेस्पिरेशन इज हाई इन, बोल रहा है फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा। देखिए फोटो रेस्पिरेशन, पहले हमको ये पता होना चाहिए तो फोटो रेस्पिरेशन होता कहाँ पे है। फोटो रेस्पिरेशन हमेशा सी3 प्लांट में होता है। तो हमको अब यहाँ पे ढूंढना क्या है कि कौन सा सी3 प्लांट है। देखिए मेज, सुगर केन, ये दोनों तो सी4 प्लांट्स है तो ये आंसर नहीं होगा। पाइनएप्पल आपका कैम्प प्लांट्स है तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, राइस हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका राइस, जो कि एक सी3 प्लांट है और वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कैल्शियम, कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये पूछ रहा है कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन पे, सेल वॉल पे, क्लोरोप्लास्ट पे या फिर न्यूक्लिक एसिड पे। देखिए एक कंपाउंड होता है कैल्शियम पेक्टेट और यही कैल्शियम पेक्टेट क्या होता है आपके सेल वॉल में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा क्या, सेल वॉल। कैल्शियम हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, सेल वॉल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे फ्रूट रैपनिंग में यूज होता है, यही ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इथिलीन। इथिलीन क्या करता है, फ्रूट रैपनिंग करता है, जो फ्रूट को पकाने में ये हम आपको हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाज कॉज्ड बाय। तो ये यही पूछ रहा है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज होता है वो कौन कॉज करता है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है। पोटैटो से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो लेट ब्लाइट बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स, तो खरीफ क्रॉप को कैसा डे लेंथ चाहिए वही पूछ रहा है। तो जब हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप डिस्कस किया था वहां पे बात किए थे कि जितने भी खरीफ क्रॉप्स हैं, मतलब जो क्रॉप हम मॉनसून के टाइम पे लगाते हैं, जून जुलाई के टाइम लगाते हैं, जून जुलाई महीने जो क्रॉप्स हम लगाते हैं बहुत सारे खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, सब डे प्लांट होते हैं। और जितने भी रबी क्रॉप्स जो हम कब कल लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि डे न्यूट्रल होते हैं, मतलब आप साल भर कभी भी उनको लगा सकते हो किसी भी सीजन में, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे समर हो।
जैसे मेज हो गया, ये क्या है, डे न्यूट्रल हो गया। फोटो इनसेंसिटिव है तो इसको हम कभी भी लगा सकते हैं, फोटो पीरियड इनसेंसिटिव है। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं, जो खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए शॉर्टर डे लेंथ जरूर रहता है खरीफ क्रॉप्स के लिए। अगला क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ येलो स्टेम बोरर, ये पूछ रहा है येलो स्टेम बोरर जो कि आपके राइस को इफेक्ट करता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका सही आंसर है स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस। इसके अलावा जो ये नेफोटिक्स है, नेफोटिक्स नेग्रोपिक्टस, ये होता है राइस ग्रीन लीफ होपर, इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अगर लेप्टोपर्सिका को देखें तो ये है राइस गंधीवक, इसका ऑर्डर हो जाता है भी हेमिप्टेरा। और अगर डिक्लाडिस्पा को देखें, ये हो जाता है राइस हिस्पा, इसका ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। अगला क्वेश्चन 14, स्टोमाटा आर रेगुलेटेड बाय, तो ये पूछ रहा है स्टोमाटा रेगुलेशन में कौन से न्यूट्रिएंट का रोल रहता है। स्टोमाटा रेगुलेशन मतलब स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन से न्यूट्रिएंट का रोल रहता है, तो इसका सही आंसर है वो है डी पोटेशियम। पोटेशियम का रोल रहता है स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन कहां पर रहता है, जनरली आपके प्रोटीन्स में रहता है नाइट्रोजन। प्लांट जो ग्रीन दिखाई देते हैं, तो ग्रीननेस, ग्रीननेस ऑफ प्लांट डिपेंड करता है किस पे, नाइट्रोजन पे। कैल्शियम अभी हमने डिस्कस किया कहां पे, सेल वॉल पे रहता है। आयरन कहां पर हेल्प करता है, आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। आयरन के साथ और एक न्यूट्रिएंट रहता है क्या, मोलिब्डेनम, वो भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और भी कुछ पॉइंट्स याद रखिए, जैसे मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये आपको हेल्प करते हैं कहां पे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोसिंथेसिस होता है पीएस टू पे, फोटोसिस्टम टू पे क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वहां पे रोल रहता है मैंगनीज एंड क्लोरीन का। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, देखिए जब हमने फ्रूट डिस्कस किया था वहां पे दो तरह के फ्रूट्स पड़े थे, एक होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद भी वो आपके राइपन होते हैं। आपने हार्वेस्ट करके ले आए घर पे, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, राइपनिंग करते हैं, मतलब पकते हैं, वो होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जैसे आपके बनाना हो गया। लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे प्लांट पे ही वो पकते हैं और हार्वेस्ट के बाद वो आगे नहीं पकते हैं, उनको कहा जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए साइट्रस। अगला क्वेश्चन, ब्लूजम एंड रॉट ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, तो टोमेटो में ब्लूजम एंड रॉट बहुत मेजर क्वेश्चन आता है ये, टोमेटो से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पूछ रहा है ब्लूजम एंड रॉट किसके डेफिशिएंसी से होता है। तो ब्लूजम एंड रॉट होता है कैल्शियम के डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पे और पॉइंट्स याद रखिए, टोमेटो का जो फ्रूट होता है उसको कहा जाता है बेरी। टोमेटो को और भी क्या कहते हैं, पुअर मैन्स ऑरेंज कहते हैं, पुअर मैन्स ऑरेंज। उसके अलावा जो बोरन डेफिशिएंसी है ये क्या करता है, टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग करता है, आपका जो टोमेटो है वो क्रैक हो जाएगा,
फूड क्रैकिंग करता है, बोरोन डिफिशियंसी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए टोमेटो से। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन वन साइकिल ऑफ मेयोसिस। तो हमको पता है जब मेयोसिस होता है, मेयोसिस का क्या होता है, दो स्टेजेस होते हैं, मेयोसिस वन होता है, मेयोसिस टू होता है। तो मेयोसिस वन में क्या होता है, एक सेल से आपके दो सेल बनते हैं, और मेयोसिस टू में यही दो सेल जाके फिर क्या होते हैं, फिर डिवाइड होते हैं। तो टोटल में एक सेल से एक ही सेल डिवीजन में क्या बनेंगे, आपके चार डॉटर सेल बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फोर। तो एक सेल से एक साइकिल में चार डॉटर सेल बनते हैं। जो टर्म है मेयोसिस, इसको दिया था किसने, जेबी फार्मर, एक साइंटिस्ट थे, 1905 में दिए थे। मेयोसिस आपका होता कहां पर है, ये होता है जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मेयोसिस। के अलावा अगर माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं जो कि सेम टू सेम पेरेंट सेल की तरह दिखाई देते हैं एक वन सेल साइकिल में। और माइटोसिस टर्म दिया था किसने, वाल्टर फ्लेमिंग ने। और माइटोसिस होता कहां पर है, ये होता है सोमैटिक सेल में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछ रहा है थर्मल प्रोसेस, एक थर्मल प्रोसेस मोस्टली यूज फॉर वेजिटेबल्स प्रायर टू फ्रीजिंग, ड्राइंग और कैनिंग इन ऑर्डर टू सॉफ्टन द टेक्सचर। तो ये हमको जो फूड प्रिजर्वेशन है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेंचिंग। ब्लेंचिंग किया जाता है फ्रूट्स को फ्रीजिंग करने से पहले, या फिर ड्राइंग करने से पहले, या फिर कैनिंग प्रोसेस करने से पहले। तो ब्लेंचिंग करते क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, कि ये आपके एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देता है। तो जो प्रिजर्वेशन सेल्फ लाइफ हो जाता है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। और फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है निकोलस अपट। फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कौन है, निकोलस अपट। अगला क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो बोल रहा है अगर पानी वेपर की तरह लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के लिविंग पार्ट से लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो हमको पता है उसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन, जहां पे क्या होता है आपके वाटर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स प्लांट के लिविंग पार्ट से, मतलब स्टोमेटा से, लीफ से क्या होते हैं, लॉस होते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहां से होता है, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कहां पे होता है, ये लीव्स में होता है, और मोस्टली इन लोअर लीव्स पे होता है। अगर हम इवापोरेशन को देखें, इवापोरेशन हम किसको कहेंगे, जब लिक्विड क्या बनेगा, गैस बनेगा, ये होता है वेपोरेशन प्रोसेस होता है। और इवापोरेशन क्या होता है, आपके लिक्विड सरफेस से भी होता है और सॉइल से भी होता है, दोनों से जो होता है वो किसको कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे। वहां पे गटिशन, ये एक नया टर्म है आपके लिए, इसको याद रखिए। गटिशन क्या होगा, यहाँ पे आपके वाटर भी रहेगा, उसके साथ साथ मिनरल्स भी रहेंगे। और एक मेजर डिफरेंस क्या है ट्रांसपिरेशन और गटिशन के बीच में, ट्रांसपिरेशन आपका ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, दिन में आपका ट्रांसपिरेशन होता है, जबकि गटिशन नाइट पे होता है। और गटिशन कहां से होगा, हाइड्राथोट्स। क्वेश्चन नंबर 20,
ये पूछ रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ खापरा बीटल। तो ये हमारे खापरा बीटल क्या है, एक स्टोरगन पेस्ट है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम इसका है ट्रोगोडर्मा ग्रैनेरियम, ऑप्शन ए। और ये जो खापरा बीटल है या फिर ट्रोगोडर्मा ग्रैनेरियम, इसका ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। अगर कोर्सारा की बात करें, कोर्सारा सेफालोनिका, ये है राइस मॉथ, ये भी स्टोरगन प्रेस्ट है, और इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। अगर ट्राइबुलियम, ये है फ्लोर बीटल, और ये कैलोसोब्रुकस है आपका, ये है कोलियोप्टेरा, इसका ऑर्डर भी क्या है कोलियोप्टर है। अगला क्वेश्चन 21, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका एंड इल्यूवेशन ऑफ सिसिकोक्साइड। ये हमने पढ़ा था जब सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेसेस पढ़े थे, वहां पे हमने ये सब डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका होगा, सिलिका का एक्यूमुलेशन होगा, और एल्यूवेशन मतलब एग्जिट ऑफ सिसिकोक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पर्जोलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, पर्जोलाइजेशन। पर्जोलाइजेशन का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है वो होता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होता है आपका, पर्जोलाइजेशन में सिलिका का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जबकि लेटराइजेशन में क्या होगा, सिलिका रिमूव होता है, सिलिका का रिमूवल होता है। सेलिनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। और डीकैल्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होगा, रिमूवल होगा, उसको कहेंगे डीकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंशन नीचे, ये पूछ रहा है जो एक्सटेंशन वर्ड है, जो टर्म है, ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक है, लैटिन है, अरेबिक है, रोमन है। तो ये है लैटिन वर्ड। इसके अलावा और कुछ लैटिन वर्ड्स याद रखिए, जैसे हो गया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, सॉइल, ये सारे क्या हैं, लैटिन वर्ड हैं। अगर ग्रीक वर्ड की बात करें, एग्रोनॉमी, एंजाइम, ये सारे क्या हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। अरेबिक वर्ड मॉनसून, मॉनसून आपका अरेबिक वर्ड है। और सीरियल जो है, सीरियल है आपका रोमन वर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द डेंसिटी ऑफ सॉइल वाटर इज मैक्सिमम हेट। ये पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होता है वाटर का, या फिर घनता होता है वाटर का, वो मैक्सिमम होगा। इसको ग्राफ के माध्यम से समझिए। देखिए अगर यहां पर हम टेम्परेचर ले लें, यहाँ पर डेंसिटी ले लें, डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब पे ले रहे हैं, यूनिट भी याद रखिए, केजी पर ग्राम भी ले सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम केजी पर ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए डेंसिटी हाईएस्ट कब होता है, जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी आपको पूछे वॉल्यूम के बारे में तो उसका ग्राफ याद रखिए, टेम्परेचर और ये आपका वॉल्यूम। तो कभी भी अगर पूछेगा कि आपका वाटर का वॉल्यूम सबसे कम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे लोएस्ट होता है, उससे आगे जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे कम में जाओगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या हो गया, ऑपोजिट हो गए, क्योंकि
डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिस यूज्ड टू कंपेयर टू टेक्नोलॉजीज ओल्ड एंड न्यू, उसको क्या कहा जाता है? तो कौन सा डेमोस्ट्रेशन या एक्सटेंशन से पूछा जा रहा है कि जहां पे आप ओल्ड और न्यू दोनों को, दोनों टेक्नोलॉजीज को शो करते हो, उसको कहा जाता है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नया टेक्नोलॉजी था और जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं फील्ड पे और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन करते हैं। मतलब क्या फायदा हुआ, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी था उसमें क्या हमारे शॉर्टकमिंग्स थे और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो शॉर्टकमिंग्स को वो कैसे सॉल्व कर रहा है। तो ये हम शो करते हैं किसमें, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन पे। अगर मेथड डेमोस्ट्रेशन की बात करें, मेथड डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, न्यू मेथड्स सिखाते हैं, न्यू मेथड्स शो किया जाता है फील्ड पे, और फादर ऑफ जो मेथड्स डेमोस्ट्रेशन है वो है सीमन, फादर ऑफ मेथड्स डेमोस्ट्रेशन। अगर नेशनल डेमोस्ट्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन होता है, जहां पे आपके साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स फार्मर फील्ड पे शो करते हैं। तो ये होता है नेशनल डेमोस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक कंसर्न विथ इंडिविजुअल यूनिट दैट इज सिंगल इंडस्ट्री फार्म, ये फार्म हो जाएगा, फार्म और सिंगल कंज्यूमर, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, When there is a single seller of a product, देखिए आप मार्केट की जब बात करते हैं, मार्केट में क्या होता है, जो दो चीजें होता है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। एक इंसान कुछ प्रोडक्ट बेचता है और दूसरे इंसान सामने वाला क्या करता है, अगर डिपेंडिंग ऑन द नीड, अगर उसको नीड है तो वो क्या करता है, सेलर से चीजें खरीदता है। तो इसी हिसाब पे मार्केट को चार तरह से डिवाइड किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसको देखते हैं, व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर, ये पूछ रहा है कि जब मार्केट में एक ही सेलर हो, एक ही प्रोडक्ट के एक ही सेलर हो। मान लीजिए यहाँ पे एक मार्केट में क्या कर रहा है, एक ही सेलर है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है एक्स, यही एक्स प्रोडक्ट को यही पर्टिकुलर सेलर बेच रहा है और कोई नहीं है जो इसके पास ये सामान है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कहेंगे मोनोपोली मार्केट, जहां पे एक सिंगल सेलर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करिए, जो चार तरह के क्लासिफिकेशन है उसको याद करिए। एक होता है आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोसोनी और ओलिगो सुनी। मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, सिंगल सेलर हुआ, सिंगल सेलर होगा ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल सेलर होगा। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स होंगे, मतलब कुछ सेलर्स होंगे। मोनोसोनी में क्या होगा, सिंगल बायर होगा। इसमें उल्टा हो रहा है, देखिए वहां पे मोनोपोली में सिंगल सेलर था लेकिन मोनोसोनी में क्या हो रहा है, सिंगल बायर है। बेचने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन खरीदने के लिए एक ही इंसान है। और ओलिगोसोनी में क्या होगा, फ्यू बायर्स होंगे, मतलब खरीदने के लिए कुछ लोग होंगे। तो ये होता है डिफरेंस मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोसोनी और ओलिगोसोनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27। मिनामाता डिजीज इज ड्यू टू, ये पूछ रहा है मिनामाता डिजीज किसकी वजह से होता है।
तो ये होता है मर्क्यूरी के टॉक्सिसिटी के वजह से। अगर कैडमियम टॉक्सिसिटी की बात करें, ये होता है इटा इटा डिजीज होता है। ये डिजीज जापान में हुआ था कैडमियम के टॉक्सिसिटी की वजह से, इटा इटा। और मिनामाता हो जाए आपका मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी के लिए। अगला क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये पूछ रहा है इकोलॉजी का टर्म किसने दिया था। तो इकोलॉजी टर्म दिया था हैकेल ने दिया था इकोलॉजी का टर्म। एजी टांसले दिए थे, इकोसिस्टम टर्म दिए थे। अगर रैचल कार्सन की बात करें तो इनका एक फेमस बुक है, वो है साइलेंट स्प्रिंग। और ये कब आया था, 1962 में आया था। और साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने क्या कहा था, डीडीटी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कहा था। और इसके वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डीडीटी को बैन किया गया था। तो ये थे रैचल कार्सन, ये बुक का नाम याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, साइलेंट स्प्रिंग 1962। और अगर बटलर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, राइस के जो उफरा डिजीज है उसके बारे में पहले रिपोर्ट किया था फ्रॉम बंगाल। बटलर ने उफरा डिजीज के बारे में रिपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ ए डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम वन वैरायटी टू अनदर वैरायटी। तो ये पूछ रहे कौन सा कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं डिजीज रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में। तो डिजीज रेजिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं बैक क्रॉस मेथड। और बैक क्रॉस मेथड में भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। अगर आपका डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, उसके हिसाब से ही क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं प्रोसेस में। अगर पेडिग्री सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड की बात करें तो पेडिग्री मेथड में क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन रहते हैं वहां पे हम सिलेक्शन करते हैं। और जनरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में पेडिग्री मेथड को अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये पूछ रहा है स्वीटेस्ट मेज स्पेसिस। मेज में क्या है, 6-7 टाइप के मेज हैं आपके, तो वहां पे ये पूछ रहा है स्वीटेस्ट कौन है, मतलब स्वीट कॉर्न के बारे में ही पूछ रहा है। स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या है वही पूछ रहा है। तो स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस साकाराटा, डी जियामेस साकाराटा। अगर हम जियामेस सेराटिना की बात करें तो ये होता है वॉक्सिकॉन। जियामेस इडेंटाटा आपका होता है डेंट कॉर्न। जनरली एजन फीड यूज किया जाता है, लाइफ स्टॉक को खाने के लिए दिया जाता है इडेंटाटा यूएसए में। और जियामेस इंड्यूराटा होता है आपका फ्लेंट कॉर्न, जो हम जनरली खाते हैं नॉर्मल, जो कॉर्न होता है जो बुट्टा होता है ये होता है नॉर्मल वाला फ्लेंट कॉर्न, जियामेस इंड्यूराटा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो जितने भी हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, 5 टाइप के हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, 5 तरह के हैं। उनमें से कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर्स है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन करिए, देखिए ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन आपके ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। तो जहाँ पे ऑक्सिन है देखिए, यहाँ पे ऑक्सिन है, जिबरेलिक एसिड है, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, ये तो पहले ही हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 31 का ए, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स। अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ लैक हेमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इच। तो जो लैक हेमोग्लोबिन होता है रूट नोड्यूल्स में, इनका रोल क्या करता है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रहता है उसके लिए एन एरोबिक कंडीशन की जरूरत रहता है। और लैक हेमोग्लोबिन क्या करता है, वही कंडीशन हमको प्रोवाइड करता है। तो जो ऑक्सीजन वहां पे होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रेगुलेशन में इसका रोल रहता है लैक हेमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया।
कितना परसेंटेज फॉरेस्ट लैंड है इंडिया में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24.56%, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया में 24.56% एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट है, जबकि होना कितना चाहिए 33% होना चाहिए। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके 33% एरिया पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो हिली एरियाज हैं वहां पे कितने एरिया पे होना चाहिए, एटलीस्ट 66% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो मैंगो के फैमिली के बारे में पूछ रहा है। तो हॉर्टिकल्चर में जब भी आप पढ़ेंगे जो भी फ्रूट क्रॉप्स हो, फ्लावर हो, उसके फैमिली बिल्कुल याद रखिए। तो मैंगो का फैमिली है अनाकार्डियेसी। अगर वीटेसी की बात करें तो ये है ग्रेप, ग्रेप का फैमिली है वीटेसी। करिकसी होगा आपका पपैया का फैमिली, और ब्रोमेलियेसी होगा आपका पाइनएप्पल का फैमिली। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल इज कॉल्ड। ये बोल रहा है माइटोसिस के कौन से स्टेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्रोमोसोम के वो सेपरेट होके क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं पोल्स की तरफ, और ये होता है कौन से स्टेज में, स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, एनाफेज। एनाफेज में क्या करते हैं, ओपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, और टेलोफेज पे क्या होता है, यहाँ पे सेल का डिवीजन हो जाता है, मतलब हमारा जो साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिटरनेस एंड ब्रिंजल ड्यू टू व्हिच अल्कलॉइड्स? ब्रिंजल में जो बिटरनेस होता है वो किसके वजह से होता है, तो इसका सही आंसर है सल्सोडाइन। अगर यहाँ पे हम लाइकोपिन की बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको मिलेगा टोमेटो पे मिलेगा। एलिसिन जो होता है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, गार्लिक में मिलेगा, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है। अगर एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की बात करें, आपकी जो ओनियन में जो पंजेंसी होता है वो होता है इसकी वजह से, ओनियन में जो पंजेंसी होता है वो होगा आपके एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप था टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेट फिक्सेशन कैपेसिटी इज हाई इन, तो फॉस्फेट फिक्सेशन कहां पे ज्यादा होता है, जहां पर आपके मोंट्रोमोलियोनाइट क्ले मिनरल्स होते हैं, जहां पे मोंट्रोमो क्ले मिनरल्स होंगे वहां पे आपका फॉस्फेट फिक्सेशन ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए फॉस्फेट फिक्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, ब्लैक सॉइल में होगा। और एक पॉइंट याद रखिए, जो आपका मोंट्रोमोलियोनाइट है ये क्या है, ये 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल्स है। अगला क्वेश्चन, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ व्हीट कॉज बाय, मतलब ईयर कॉकल डिजीज किसकी वजह से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेमाटोड की वजह से ही होता है ईयर कॉकल डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइस फॉर 2020 इज गिवन टू, वर्ल्ड फूड प्राइस किसको दिया गया है 2020 के लिए, तो इसका सही आंसर है रतनलाल, रतनलाल जी को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइस फॉर 2020। लीडिंग कॉट फ्लावर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इज, कौन सा देश जो कॉट फ्लावर्स होते हैं उसका एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसका सही आंसर है नेदरलैंड। अगला क्वेश्चन, व्हिपटेल एंड कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में
व्हिप्टल डिजीज किसके वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी से। और कॉलीफ्लावर से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो व्हिप्टल के बारे में बिल्कुल पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। अगर हम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में देखें तो इसके वजह से क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को देखें तो इसके वजह से आपके कॉलीफ्लावर में क्या होगा? बटनिंग होगा। बटनिंग मतलब आपके जो कर्ड्स होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। और बोरोन डेफिशिएंसी से क्या होगा? ब्राउनिंग होगा कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर इज। तो पूछ रहा है स्मॉल फार्मर के पास कितना लैंड होगा तब जाके हम कहेंगे उसको स्मॉल फार्मर। तो इसका क्लासिफिकेशन है उसको याद रखिए। देखिए कोई भी फार्मर, कोई भी फार्मर को हम मार्जिनल कब कहेंगे? जब उसके पास लैंड 1 हेक्टेयर से कम होगा। स्मॉल कहेंगे जब उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होगा। सेमी मीडियम कहेंगे जब उसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होगा। मीडियम कहेंगे जब उसके पास 4 से 10 हेक्टेयर होगा। और लार्ज कहेंगे जब उसके पास मोर देन 10 हेक्टेयर होगा। और 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकर, इतना भी याद रख लीजिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर तब जाके कहेंगे उसको स्मॉल फार्मर। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज एन डेक्स प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैसे ऑक्सीडेशन होके क्या बनते हैं? डिफरेंट आयन्स बनते हैं। और रिडक्शन होकर क्या बनता है? हमारा NADPH बनता है, जो एनर्जी बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन प्लांट द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन। जब हम सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आपके न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, सभी में आपके जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट इन पोटैटो। पोटैटो का जो ब्लैक हार्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज। पोटैटो की स्टोरेज के समय पे जब ऑक्सीजन की कमी होता है वहां पे होता है क्या? ब्लैक हेड डिजीज होता है। और एक पॉइंट याद रखिए, अगर पोटैटो में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई कर लेंगे तो वहां पे होगा होलो हार्ट। उसके ट्यूबर पे क्या होगा? एक होल क्रिएट होगा, उसको कहते हैं होलो हार्ट, जब हम यूज करते हैं एक्सेस नाइट्रोजन इन पोटैटो में। अगला क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन। पल्स प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, MP। इसको और भी क्या कहते हैं? सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट कहा जाता है। अगर यूपी की बात करें, यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, राइस व्हीट ये सारे प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है। पंजाब आता है सेकंड पोजीशन पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। और राजस्थान जो है ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा किसमें? कोर्स सीरियल में, जैसे आपके मेजर मिलेट्स हैं, माइनर मिलेट्स हैं, ये सारे प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। इसके अलावा अगर ज्योग्राफिकल एरिया को देखें, राजस्थान फर्स्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान में। अगला क्वेश्चन,
The order of माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सॉइल ऑन नंबर बेसिस, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसमें होता है, 1 ग्राम सॉइल लें तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो है ए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, फंगाई एंड algae. क्वेश्चन नंबर 49, मैंगनीज टॉक्सिसिटी कॉजेस, मैंगनीज टॉक्सिसिटी के वजह से क्या होता है ये हमको पूछ रहा है, और ये होता है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी. अकुइची इन राइस कब होता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेस हो जाए तब होता है राइस में. व्हाइट बर्ड इन मेज, जब आपका जिंक का डेफिशिएंसी होता है तब होता है क्या, व्हाइट बर्ड होता है. और बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से फ्रूट क्रैकिंग होता है कहां पर, टोमेटो में. तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए. अगला क्वेश्चन, द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो, तो टोमेटो के रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, वो है लाइकोपिन. लाइकोपिन के वजह से टोमेटो क्या होते हैं, रेड्स दिखाई देते हैं. तो थैंक यू, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए उसको नोट करके रखिए और उसको रिवाइज करिए. थैंक यू.